हेलो फ्रेंड्स दिस इज गौतम पांडे वेलकम टू फोरम आई दोस्तों लास्ट वीडियो तक हम आपके साथ चैप्टर टू के कुछ सेक्शन डिस्कस कर चुके थे जैस में लास्ट में हमने आपके साथ तो राजपूत स्टेट डिस्कस कर लिया था तो उसके बाद वाला जो सेक्शन है जैसे कि द तो जाट हैं और बंगस और रोहिला हैं और सिख हैं पंजाब है इन सबको हम डिस्कस करना है तो इस वीडियो में हम आपके साथ द जाटों के विषय में और साथ ही साथ जो बंगस और रोहिल्ला कौन थे इनके विषय में डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहले जाटों के विषय में देखते हैं देखिए जाट सबसे पहले समझ लेते हैं कि जाट कौन थे कौन थे तो कहना गलत होगा कौन है मतलब जाट का तो, कम्युनिटी अभी भी है हमारे साथ बट उस टाइम के जाट कौन थे ये जरा देख लेते हैं देख देखिए ये इम्पोर्टेंटली एग्रीकल्चर काम में लगे हुए लोग थे मेन तरह से कहिए कि एक फार्मर थे और जब भी मौका मिलता था तो कहीं लूटपाट वगैरह करना या लोगों के लिए लड़ाई या लड़ना इनका पेशा था उस समय का तो ये एग्रीकल्चरिस्ट थे जो एग्रीकल्चर काम में लगे हुए थे किस एरिया में रहते थे याद कीजिए हमने औरंगजेब के टाइम में भी आपके साथ डिस्कस किया था जब हम मिडावल इंडिया आपके साथ डिस्कस कर रहे थे जो ये दिल्ली वाला ये मथुरा वाला और ये आगरा वाला इलाका है जहाँ पर यमुना रिवर के बहुत साइड में ये रहते थे जो करंट का हमारा आगरा है मथुरा है और दिल्ली है तो यमुना के आसपास के दोनों एरिया में इनका एस्टेब्लिशमेंट था उस समय तो कैसे इन्होंने यहाँ से एक पूरा का पूरा एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया उसे देखते हैं तो सबसे पहले इसके थोड़ा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे एस्टेब्लिश हुआ होगा इनका एम्पायर याद कीजिए जब हम आपके साथ मिडावल इंडिया में औरंगजेब डिस्कस कर रहे थे तो 1669 में हमने देखा था कि गोकुला के लीडरशिप में औरंगजेब के खिलाफ एक रिबोल्ट हुआ था जाटों का ये उसी समय से अपना एक एम्पायर इस्टेब्लिश करना चाहते थे उस टाइम औरंगजेब ने सप्रेस कर दिया था इन्हें फिर इन्होंने हार नहीं मानी फिर कोशिश की कोशिश इस बार लगभग पंद्रह बीस सालों बाद सिक्सटीन में किया था वो भी राजा राम के लीडरशिप में तो राजा राम को भी कैसे भी करके औरंगजेब ने सप्रेस कर दिया था याद कीजिए क्योंकि औरंगजेब उस समय तक बहुत पावरफुल था पूरे के पूरे बड़े एरिया पे उसका कब्जा था और उसके पास एक स्ट्रांग आर्मी थी तो वहाँ तक तो इन्होंने सप्रेस कर दिया था बट जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में और उसके बाद जो उसके सक्सेसर थे बहादुर शाह हो या फरुख हो या जहाँदर शाह हो या मोहम्मद शाह हो उनके टाइम में ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे तो ये उस वो समय था जब एटीन सेंचुरी में मोहम्मद शाह के टाइम में जहाँदर शाह के टाइम में जो इनका एक लीडर था चूड़ामन याद कीजिए चूड़ामन कौन था हमने देखा था राजा राम का ही सक्सेसर था इसे जब मौका मिला तो इसने फिर से अपने लिए एक अलग एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया तो हम जो देखेंगे कि कैसे चूरामन एक एम्पायर इस्टेब्लिश करते हैं थोड़ा रिकॉल इसलिए हो गया कि थोड़ा समझना आसान हो जाएगा आगे देखते हैं हम चूरामन के विषय में देखिए चूरामन ने बदन सिंह के हेल्प से बदन सिंह ये रहे और ये रहे चूरामन इनके हेल्प से एक भरतपुर राज्य की स्थापना की उस समय तक उन्होंने अपना नाम जाट साम्राज्य नहीं दिया भरतपुर एरिया भरतपुर कहाँ जो करंट का हमारा राजस्थान में भरतपुर है वहाँ पर इन्होंने एक जाट एम्पायर एस्टेब्लिश किया और रूल करना स्टार्ट कीजिए याद कीजिए चुरामन पहले ही ज़्यादा उम्र के थे तो बहुत लंबे समय तक रूल नहीं कर पाते और बदन सिंह उनके हेल्पर थे तो पूरी तरह से आगे इनका नाम नहीं आता है बट चुरामन का नाम आता है तो यहाँ पर इन्होंने भरतपुर राज्य स्टेब्लिश कर दिया था उसके बाद क्या होता है देखते हैं देखिए जो ग्लोरी थी जाटों की जिन समय पूरा का पूरा इमर्ज हुआ जो पूरी दुनिया को पता चल गया उस दुनिया इन सेंस जो करंट का हमारे एरिया है पुरे पुरे एरिया में जाटों को ग्लोरी दिलाने वाले जो रूलर थे उनका नाम था सूरजमल सूरजमल के टाइम में ही जाटों का उत्थान हुआ और पूरे बड़े एम्पायर पर कब्जा हो गया बड़े एम्पायर इन सेंस कि कौन कौन से एरिया इनके अंडर में थे उसे डिस्कस कर लेते देखते हैं देखिए इनके टाइम में 1756 टू लेकर 1763 तक इन्होंने रूल किया सालों ब्रिटिशर्स वो वो भी आ चुके थे और छोटी -छोटी जितने भी पावर थे इमर्ज कर रहे थे तो ऐसे में सात आठ सालों तक भी रूल कर पाना अपने एरिया को बचा रख पाना बहुत मुश्किल था देखेंगे कैसे राजपूतों का जो डिक्लाइन हो रहा था वहीं पर जाट अपने आप को स्टेब्लिश कर रहे हैं हमने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ जय सिंह को जब वो जयपुर शहर की स्थापना कर रहे थे उसी पर्टिकुलर पूरे राजस्थान वाले एरिया पर सूरजमल अपना पूरा कब्जा कर लेंगे और अपने एरिया को और आगे बढ़ाएंगे देखते हैं कौन कौन से एरिया इनके अंडर में थे एक बात समझना ज़रूरी है कि ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और बहुत अच्छे सोल्जर भी थे तभी अपने आप को बहुत आगे तक ले गए होंगे देखते हैं इनके टाइम में कौन कौन से एरिया थे कहा जाता है कि सूरजमल के टाइम में जो गंगा का ईस्टर्न एरिया था मान लीजिए जो करंट का हमारा उत्तर प्रदेश हो गया और चंबल का साउथ वाला जो एम में अभी करेंट वाला एम में चंबल है और साथ ही साथ आगरा वेस्ट वाला इलाका में और नॉर्थ में दिल्ली तक याद कीजिए ये वो समय था जब मुगल एम्पायर दिल्ली तक सिमट चुका था और छोटे से एरिया पर कब्जा कर हुए थे यहीं पर सिर्फ दिल्ली तक कुछ शहर में ही दिल्ली शहर में ही मुगलों का राज चल रहा था बाकी हर एक जगह अलग अलग, अलग रूलर अपना राज्य स्थापित कर चुके थे तो एक पर्टिकुलर समझिए सूरजमल के टाइम में एक बड़ा एरिया ये पूरा का पूरा आप जब देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया जो राजस्थान है हरियाणा है दिल्ली है पंजाब वाला कुछ हिस्सा एम वाला कुछ हिस्सा और करंट का हमारा जो यूपी वाला हिस्सा है वो सारे इनके अंडर में थे तो देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो करंट के डिस्ट्रिक्ट थे वो कौन कौन से इनके अंडर में थे देख लेते हैं जो आगरा है करंट का हमारा हमारा जो मथुरा है हमारा जो मेरठ जिला है और वो हमारा अलीगढ़ इलाका है आप समझ सकते हैं कैसे अभी भी करंट में हम अगर मथुरा की तरफ जाएंगे या मेरठ की तरफ जाएंगे तो देखेंगे जाट कम्युनिटी बहुत ही लग, बड़े एरिया में इस्टेब्लिश है बड़े एरिया में रह रही है तो ये वही लोग हैं जब सूरजमल के टाइम में पर्टिकुलर इस एरिया पर कब्जा कर लिया गया था तो सूरजमल को पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है जाट एम्पायर को बड़े लेवल पर ले जाने का आगे हम देखते हैं देखिए जब सेवनटीन में सूरजमल की डेथ हो जाती है तब जाके जो जाटों का एम्पायर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है क्यों क्योंकि ये एक आपस में ही मेन इम्पॉर्टेंट लड़ते रहते थे ज़मींदार अपने आप को सभी लोग बड़ा समझ रहे थे और सभी एक दूसरे को नीचा दिखाकर एक अलग एम्पायर इस्टेबलिश करना चाहते थे जब इंसान आपस में लड़ने लगता है तो समझिए बाहरी जो पावर होते हैं उनको मौका मिल जाता है कि वो वापस कब्जा कर ले सेम यही होता है जाटों के टाइम में भी जैसे ही ये इमर्ज करने की और कोशिश कर रहे हैं सूरजमल के बाद जो मराठा हैं वो नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ते आ रहे हैं और पूरे इस एरिया पर भी कब्जा कर लेते हैं तो सेवनटीन में आकर जाट एम्पायर पूरी धीरे 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 कोलेप्स हो जाता है उसके बाद कोई डिटेल बहुत बड़ा नहीं मिलता है कोई बहुत बड़ा रूलर नहीं होता है तो इसलिए जाटों को यहाँ तक ही डिस्कस किया जाता है इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे बंगस और रोहिला कौन थे उन्हें ज़रा डिस्कस कर लेते हैं याद कीजिए जब फरुखसीयर और मोहम्मद शाह के टाइम में मुगल एम्पायर बहुत ही लिमिटेड एरिया तक आ गया था मोहम्मद शाह के टाइम में तो कहा जाता है कि कुछ दिल्ली के एरिया जो थे वहीं तक गया था क्योंकि उसका जो खुद का जो वजीर था वो साउथ इंडिया में जाकर हैदराबाद राज्य स्थापित कर चुका था और वो खुद ही एक रंगीला बादशाह के तौर पर जाना जाता था और सिर्फ और सिर्फ हरम में ही बिजी रहता था ऐसे कंडीशन में जो बाहरी जितने भी छोटे मोटे भी रूलर थे वो अपने आप को इमर्ज कर रहे थे एक ही इन्हीं में से एक रूलर था मोहम्मद खान बंगस ये प्रॉपरली आया था अफगानिस्तान से और जब इसे मौका मिला जब मोहम्मद शाह वगैरह बीजी थे अपने हरम में तब इसने जो करंट का हमारा अलीगढ़ और कानपुर के बीच का इलाका है फरूखाबाद वाला इलाका वहाँ पर इसने धीरे धीरे कब्ज़ा करना शुरू किया और एक छोटे से एरिया पर कब्ज़ा भी कर लिया अलीगढ़ और कानपुर आप देख रहे हैं इन बीच एरिया में इसने कब्ज़ा किया बट इसके टाइम में इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि नादिर शाह का अटैक हो गया इंडिया पर इसलिए उस समय वो एक बड़ा एम्पायर स्टेब्लिश नहीं कर पाया लेकिन जैसे ही नादिर शाह का इन्वेज़न ख़त्म हुआ और नादिर शाह वापस चला गया तब इसे मौका मिल गया अपने आप को इमर्ज करने का देखिए ये यहाँ वाला इलाका है जो करंट का हमारा यूपी वाला इलाका है यहाँ पर अलीगढ़ और ये कानपुर वाला जो बीच का इलाका है ये यहाँ पर इसने एक फरूख फरुक, फरुखाबाद जगह के आसपास एरिया पर कब्जा किया और एक रोहिल खंड नाम की राज्य की स्थापना की क्यों क्योंकि अब इसे नादिर शाह का डर नहीं रह गया था नादिर शाह जब तक था इंडिया में तब तो इसे लगा कि इसे आसानी से वो हरा देगा और इसके एरिया पर कब्जा कर लेगा ऐसे में नादिर शाह रोहिलखंड राज्य की स्थापना की किसने की तो याद रखेंगे मुहम्मद खान ने हम देखते हैं कौन कौन से एरिया इसके अंडर में थे ये भी बहुत लंबे समय तक रूल नहीं कर पाए समझिए क्यों क्योंकि मराठाओं का इन्वेजन हो रहा है बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही साथ दूसरी तरफ से अंग्रेज भी बढ़ रहे हैं दूसरी तरफ हमारा अवध जो असम वाला इलाका है सॉरी असम नहीं अवध का जो बंगाल वाला इलाका है ये भी अपने आप को मर्ज कर रहे थे बढ़ रहे थे वैसे में इस एरिया पर लंबे समय तक कब्जा कर पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं था तो देखते हैं कौन कौन से एरिया इनके अंडर में था देखिए कहा जाता है कि इसके अंडर में जो साउथ का जो गंगा नदी जहाँ से बहती है मान लीजिए कि आगरा वाला इलाका है नीचे वाला इलाका है ईस्टर्न यू यूपी में ईस्टर्न यूपी नहीं करंट का जो वेस्टर्न यूपी है यहाँ पर जहाँ से यमुना गंगा नदी रिवर बह रही है यहाँ से लेकर और नॉर्थ में कुमाऊ हिमालय जो है करंट का हमारा है अगर कुमाऊ हिमालय आप जोग्राफिकल कंडीशन नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जो करंट का हमारा नैनीताल वगैरह सिटी है जो बहुत ही फेमस सिटी है वहाँ तक इसकी एरिया थी ऐसे में समझिए इस पर्टिकुलर इस साउथ से लेकर नॉर्थ तक इस एरिया पर इनका जो रोहिलखंड इलाका था उस पर राजी कर रहे थे और इनके कैपिटल कहाँ थी जो करंट का हमारा बरेली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक आंवला जगह है अगर कभी आप ट्रेन से बरेली की तरफ जाएंगे कानपुर की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं आंवला का जो करंट में भी आंवला स्टेशन भी है तो यहाँ पर इनका पहले कैपिटल था लेटर इन्होंने क्या किया अपने कैपिटल को रामपुर की तरफ शिफ्ट करते चले गए तो ऐसे में एक छोटे से एरिया पर इन्होंने कब्जा बनाए रखा लंबे समय तक याद कीजिए जब हम आपके साथ अवर डिस्कस कर रहे थे जब हम आपके साथ दिल्ली जाटों को डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि रोहिलाओं का बंगसों का इनके आपस में जो था क्लासेज वगैरह होते रहते थे ऐसे में बहुत लंबे समय तक ये रूल नहीं कर पाए और इनका भी डिक्लाइन हो गया और पूरा का पूरा जो बंगस थे और रोहिला थे वो कलेप्स हो गए उसके बाद ब्रिटिशर्स आ जाएंगे इंडिया पर ब्रिटिश रूल करना स्टार्ट कर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जो सिख हैं जो पंजाब हैं वो वाला एरिया डिस्कस करेंगे